सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसे ही शॉर्ट में सेंसर बोर्ड कहते हैं। दोस्तों, यह बोर्ड हमारे देश की फिल्मों को उसके कंटेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट देने का काम करती है। हमारे देश में जितनी भी फिल्में बनती है उन्हें रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहला, यू सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट ऐसी फिल्मों को दिया जाता है जिसमें किसी तरह का अश्लील सामग्री, हिंसा या गालियां नहीं होती है। इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। इस सर्टिफिकेट वाली फिल्म को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। दूसरा, यूजलेस ए सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को सबसे ज़्यादा इशू किया जाता है। इसे भी सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। केवल 12 साल की उम्र से छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि वो अपने माता पिता या किसी बड़े की उपस्थिति में ही फिल्म देख सकते हैं। तीसरा, ए सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस तरह की फिल्में सिर्फ वयस्कों को दिखाई जा सकती है। आमतौर पर बोल्ड सीन और एडल्ट कॉमेडी वाली फिल्मों को इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। चौथा, एस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट बिरले ही इशू किए जाते हैं। ऐसी फिल्मों को सिर्फ डॉक्टर्स या सेना के जवानों को ही दिखाया जा सकता है। ये आम पब्लिक के लिए नहीं होती है। दोस्तों, जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो शुरू में ही आपको एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। ये वही सर्टिफिकेट होते हैं। तो दोस्तों, अब आप जब भी कोई मूवी देखें तो ये ज़रूर ध्यान देना कि उस मूवी को कौन सा सर्टिफिकेट इशू किया गया है। दोस्तों, सेंसर बोर्ड के जो डायरेक्टर्स और मेंबर्स होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 68 दिनों का वक्त ले सकता है। सबसे पहले फिल्म के आवेदन की जांच की जाती है जिसमें लगभग एक हफ्ते का वक्त लग जाता है। उसके बाद फिल्म को इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी 15 दिनों के अंदर इसे सेंसर बोर्ड डायरेक्टर के पास भेज देती है। डायरेक्टर फिल्म की जाँच में अधिकतम 10 दिनों का वक्त ले सकता है। फिर सेंसर बोर्ड फिल्म के आवेदक को जरूरी कट्स के बारे में जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।